हाय एवरीवन, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी बज रहे हैं 8। तो गाइस, अभी फिर से हमें जाना है हॉस्पिटल MH में। तो गाइस, ये देखो हमारा सौरभ भी रेडी हो चुके हैं। सौरभ बोलो। तो गाइस, आज है गणपति बाबा की पूजा है। गणपति पापा बोरिया, गणपति बापा, गणपति पापा बोरिया। तो गाइस, चलो आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। इस साइड में है मेडिकल हॉस्पिटल और अभी हम इस तरफ जाएंगे। हमारे रूम है, इस साइड में पड़ते हैं। उधमपुर मार्केट के सामने ही है अभी तक हम। चारों तरफ आप लोगों को दिखा दूँ, व्यू आप लोग देख लो गाइस, ये देखो। तो गाइस, हम इस साइड से आए हैं अभी, क्योंकि इसी साइड से हमें मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो गाइस, अभी हम MH में दिखा कर आ गया है, क्योंकि MH में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है मेडिकल हॉस्पिटल में गाइस। और अभी आप लोग देख सकते हैं इस साइड में, देखो गैस ऑफिस है, ऑफिस में गए हैं मिस्टर और मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ गाइस। तो देखते हैं मिस्टर अभी गैस ऑफिस में गए हैं, कब तक टाइम लगते हैं देखते हैं। मिस्टर आ रही है पासबुक लेकर, पासबुक भी हमारा हो गया है, कुछ दिन पहले अप्लाई किया और ये देखो पासबुक हमें मिल गया। और ये है हमारा स्कूटी, तो स्कूटी में देख सकते हो ये इसे कुछ सामान ले लिया हमने, खाने के चीज़ भी है और यहीं पर है कुछ सामान। और ये है फ़ोटो गाइस, मैं ये फ़ोटो घर के लिए लिया हूँ, ये बहुत ही क्यूट क्यूट सा फ़ोटो है। तो गाइस, आप लोग वीडियो पर बने रहें। और ये देखो गैस सिलेंडर गाइस, बहुत सारे गैस सिलेंडर है यहीं पर, तो हम यहीं से ही गैस सिलेंडर को ले जाते हैं बुक करा कर। गाइस, मैंने सोचा कि आज गणेश पूजा है, मुझे लगा मार्केट में पूजा होंगे आप लोगों को दिखा देंगे, लेकिन गाइस मुझे ना दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पर पूजा हुआ या नहीं, तो इसीलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाया गाइस। तो अभी हम घर चलते हैं, आप लोगों को घर जाकर दिखा दूंगी हम क्या क्या सामान लिया है। तो गाइस चलो अभी घर चलते हैं। ये देखो, ये है मिस्टर और अभी हमारे जो स्कूटी की चाका है ना, चाके में पाम थोड़ा सा कम है, तो अभी भरा रही है, भराने के बाद यहीं पर तेल भराएंगे गाइस। ये देखो सौरभ इधर बैठ चुके हैं और स्कूटी के पास अभी हम इसलिए नहीं है गाइस, देखो इतना ज़्यादा धूप है तो रहना मुश्किल हो गया है, तो इसलिए सोचा चलो उधर मिस्टर काम करते रहे और इधर हम थोड़ा सा बैठ जाए। बहुत ही एक मीठा सा हवा भी आ रही है गाइस। और ये देखो सौरभ उधर बैठ चुके हैं, सौरभ। तो गाइस, हो गया मिस्टर का काम और अभी तेल को भराना है। सौरभ कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम्हारे लिए बंदूक लेकर आए हैं, बोलो कुछ बोलो। अच्छा अच्छा, जाओ गाड़ी में उठो। घर आ चुके हैं, मतलब रूम में। और ये देखो, ये है खाने की चीज़ जो हम बाहर से लेकर आए हैं, तो क्या क्या है आप लोग देख लेना और कमेंट कर लेना गाइस, इसकी क्या नाम है मुझे एक्चुअली अच्छे से पता है नहीं। और साथ में देखो टोमेटो सॉस भी दिया है। तो गाइस चलो पहले खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात कर लेते हैं। गाइस, बहुत ज़्यादा पानी भी ऐसा लगी है, गर्म करने के लिए दे दिया गाइस। गाइस एक्चुअली मैं गर्म पानी पीती हूँ, अभी ठंड पानी पीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, इसके लिए गर्म पानी पीना पड़ता है। और मेरे हालत देख सकते हो, जितने दिन जा रहे हैं इतने ही हालत खराब हो रही है गाइस। तो अभी जो धूप थी अभी है नहीं, बहुत ही मीठा सा हवा दे रही है गाइस, तो बहुत ही अच्छा फील हो रही है। और बहुत ज़्यादा अगर धूप देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होते हैं। तो गाइस चलो एक बार आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा दूँ कि हमारे पीछे की साइड घास थे बहुत बड़ा बड़ा, तो वो काट चुके हैं। ये देखो गाइस, ये हमारी खिड़की है और इसी खिड़की में हनुमान जी आकर बैठ जाते हैं यहीं पर।
एक जाल की खिड़की है और पीछे जो खिड़की आप लोग देख रहे हो ये वाला, तो ये ग्लास की है। तो हम ग्लास की लगाते नहीं है, सिर्फ जाल की लगाते हैं, मच्छर वगैरह भी ये हैं अंदर आ नहीं सकते हैं। और आप लोग देखो घास देखो, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे शायद, कल पूरा घास मशीन से काट चुके हैं गाइस, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा दिख रही है पीछे की साइड। और गाइस मैं क्या क्या लेकर आई हूँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलो, ये एक बोर्ड है बजाज की, तो ये एक लाइट है, मतलब ऑटोमेटिक करंट जाने के बाद ऑटोमेटिक जलते हैं। और ये है फोटो है गाइस, एक पर चार फोटो है और फोटो भी मैं लगाऊंगी। और ये जो देखो, ये देखो गाइस, ये जो दीवार है, दीवार की हालत आप लोग देख सकते हो कैसा है, बहुत ही दिखने में खराब दिख रही है। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हो दीवार की हालत, तो इसीलिए मैंने कुछ फोटो लेकर आई हूँ, तो इसको मैं चिपका दूंगी और आप लोगों को दिखाते रहूंगी गाइस, लगने के बाद कैसा दिखते हैं वो भी आप लोग देख पाओगे। और सौरभ के लिए एक बंदूक लेकर आए हैं, तो बंदूक की निशाने देखो, एक बार लगा दिया और बंदूक भी आप लोग को दिखा देते हैं। ये है सौरभ की बंदूक, ये देखो बंदूक के साथ क्या क्या है और वो निशाने हैं। सौरभ के लिए बहुत ही अच्छे एक टाइम पास की टॉय है ये। ये है फोटो लगाने के लिए जो सेलो टेप है, इस तरह दिया है हमें, तो अभी चलो लगाते हैं। चलो अपने दोस्तों को ना अभी फोटो दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो मैं स्टिकर को ऐसे लगा दिया और अभी चलो दीवार पर लगा देते हैं। चलो देखते हैं कैसा होगा। फोटो को लगा रही है मम्मी, ये देखो कितना सुंदर फोटो लगा दी मम्मी। मम्मी सुंदर लग रहा है ये फोटो। ये देखो गाइस तो कैसे थप्पड़ मार रहा है, वो हमसे दूर है। गाइस ये देखो, ये एकदम क्यूट सा बेबी, और बेबी भी आएंगे शायद हमारे इस घर में, तो मैंने लगा दिया, बहुत ही क्यूट है गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी तीन है, वो भी लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को ना एक एक करके दिखाते हैं कि मतलब किस टाइप की मैं फोटो लेकर आई हूँ। तो गाइस ये देखो, मैं हमारे ड्राइंग रूम में ये लगा दिया हमारा प्यारा सा फोटो, हमारी गोपाल की फोटो है और शिव बाबा, पार्वती बाबा और साथ में गणेश कार्तिक के हैं। तो गाइस धीरे धीरे और भी फोटो लगाएंगे क्योंकि इस फोटो का प्राइस ज़्यादा है नहीं और दिखने में भी अच्छे लगते। और ये है हमारा क्यूट सा मंदिर जो हमने ऐसे ही सजाया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस। एक दिन गाइस मैं आप लोगों को होम टूर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले सेटिंग कर लूँ, सेटिंग करने के बाद आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगी। चलो कैसा लगा, देखो कैसा लगा बाबा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, प्रणाम करना ठीक है। तो गाइस आज के ब्लॉग इतना ही है, अगर मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और चैनल में कोई अगर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय अहोम एंड जय कामता कोर।